बताएंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर किड्जानिया में आके आपका? बहुत अच्छा लगा, मतलब आई डोंट थिंक मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा बोलने की कैसा लगा, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू किड्स, जब बच्चों की बात आती है वो एनर्जी इतनी आ जाती है, और दे आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज फ्यू इवेंट्स, इट्स वन ऑफ दोज फ्यू एसोसिएशन जहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट बी रियल. वो मैं वैसे भी आई एम ऑलवेज माई सेल्फ, बट इट्स रियली फन उनकी उनकी प्रेजेंस ही बच्चों की, आई थिंक बिकॉज इट्स सो देर सो प्योर एंड दे ऑल अबाउट लव, तो ऑटोमेटिकली यू फील लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, विच इज एग्जैक्टली वॉट आई डिड, एंड कटिंग द केक, नॉट ईटिंग द केक, बट किड्स विल ईट द केक. बट बहुत मजा आया, थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू एनबीटी फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस. इट्स दे ऑलवेज हैव सम बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स या कुछ इस तरह के कुछ अच्छे एसोसिएशन जब भी काफ़ी करते हैं और जब भी बुलाते हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम. ऐसे में कुछ बचपन की यादें ताज़ा होती है, क्योंकि हमने देखा स्टेज पर आपने बताया कि ये जो मोमेंट है बच्चों के लिए, ये हम बाद में कितने भी बड़े हो जाए ये नहीं बोलते, तो ऐसे में आपकी बचपन की कितनी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जो मेमोरी है बचपन की कितनी आप संभाल के रखती हैं? बहुत संभाल के रखती हूँ, दैट्स द रियल ट्रेजर, क्योंकि मैं जब भी चंडीगढ़ जाती हूँ, मेरे जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो सब स्कूल से ही हैं, इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक 20 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट स्टफ, तो हम जब भी साथ में मिलते हैं, उन्होंने कहा हमें पता नहीं तुम क्यों इतना याद रखती हो स्पेशली, क्योंकि मैंने कहा मैं चंडीगढ़ से इस वक्त दूर हूँ, तो जब दूर होते हैं तो ज़्यादा उसकी वैल्यू समझ में आती है, एंड हम लोग याद करते हैं वो टाइम जहाँ पे यू नो बचपन में कुछ उस टाइम के हिसाब से स्कूल में कुछ बहुत ही कुछ सीरियस हुआ, और आपको लगता है शिट काश हम कॉलेज में होते, काश हम बड़े होते तो प्रॉब्लम ही ना होती, पता नहीं मैम ऐसे क्यों सोचते हैं हमारे बारे में, पता नहीं इतने कम नंबर क्यों दिए, पता नहीं मतलब वी यूज्ड टू जस्ट गो मैड, एंड वी ऑल वी वांटेड टू डू वाज कि जस्ट ग्रो अप, बट देन प्लीज डोंट ग्रो अप इन लाइफ, आई थिंक वो टाइम कभी वापस नहीं आता. आई थिंक मेरी फ्रेंड्स बोलती नहीं यार आई एम ग्लैड वी ग्रो अप, आई सेड नो यू डोंट अंडरस्टैंड, जिस तरह की हम इंडस्ट्री में हैं, जिस तरह से हम काम करते हैं, इतना इट्स सो स्ट्रेसफुल, तो कई बार शायद वो यादें ही वापस ताज़ा कर लेना, इट्स जस्ट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन द फेस. यस, एंड स्कूल एंड या कॉलेज की भी हम बात करें, किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी या मुझे लाइक सिंगिंग डांस कॉम्पिटिशन आप बताइए? मैं पढ़ाई में काफ़ी एक्टिव थी, इंग्लिश मैथ्स कोई बात नहीं, नहीं मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसे हंसी मजाक करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ, आपने देखा ना मैंने कितनी सीरियस होती हूँ, है ना, तो मैथ्स तो प्लीज़, आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड, माई बेस्ट, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वो मैथ्स में बहुत अच्छा था, मैंने कहा मैं फ्रेंडशिप तोड़ दूँगी अब तूने 100 में से 100 लेकर आया, तो मैथ्स में बिल्कुल भी नहीं, बट अदरवाइज मैं बाकी सब्जेक्ट्स में मैं बहुत अच्छी थी, मैं सिंगिंग में अच्छी थी और डांसिंग में भी थी, पर उस टाइम डांसिंग ना कोई मैं आई वॉज वन ऑफ दस क्लॉजेड डांसर्स, यू नो दरवाज़ा बंद करके कोई देख तो नहीं रहा है, हाँ एंड लेट्स नहीं ऐसा डांस नहीं, मेरा मतलब कि मैं शर्मीली टाइप की थी, क्या करते हो मैंने अभी तुम्हारी तारीफ की, सो ऑन ऑल योर माधुरी दीक्षित सॉन्ग ऑन द 90s, आई एम ए 90s किड, सो मुझे बहुत, तो आई वॉज अ क्लॉजेड डांसर एंड आई वॉज अ वेरी गुड सिंगर आई थिंक सो, एंड पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पब्लिक स्पीकिंग में तो मैं ज़ीरो थी आई थिंक, क्योंकि एक बार मुझे कोई हिंदी पोएम, और मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा छोटी थी, मैं 10th में थी, तो कुछ पोएम बोलनी थी और बहुत अच्छे से याद की थी, मुझे आज भी उसका टाइटल याद है, ये मत पूछना, मैं नहीं बोल रही हूँ आज भी पोएम याद है, सिर्फ टाइटल याद है, पर पोएम उस टाइम मुझे अच्छे से याद थी, पर मैंने जैसे ही सबको देखा पोडियम पर आई जस्ट फ्रोज एंड आई जस्ट रैन अवे, सो फ्रॉम दैट डे टिल हियर आई थिंक नॉट बैड, सो वो तो है, चलिए अच्छी बात है, एंड क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं एनबीटी के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट है, एंड प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि ढेरों सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एनबीटी कितना रीड करती है या भेजिए अगर आप हमें बता सकें, और कौन सा वाला कॉलम जो आप नहीं ऑफकोर्स इंग्लिश स्पीकिंग भी आई थिंक, पर आई थिंक हिंदी स्पीकिंग भी रीडिंग भी बहुत सारे रीडर्स हैं जो हिंदी पेपर पढ़ते हैं, ऑफकोर्स एनबीटी इज़ वन ऑफ द लीडिंग वंस, मुझे हिंदी में वो वर्ड नहीं आएगा, पर जो एडिटोरियल पेज होता है मुझे वो पढ़ना काफ़ी पसंद है, बट आई थिंक आमतौर पर हम वी वॉट वी स्टिक इज़ टू यू नो द फ्रंट पेज या जो हेडलाइंस होती हैं, अगर आप मुझे स्पेशली कॉलम की बात की जाए, जी मैं फिल्मी कॉलम बिल्कुल नहीं बोलूँगी, तो एनीथिंग विच इज़ आई थिंक दे आर वन ऑफ द फ्यू आई थिंक पब्लिकेशंस हु स्टिल बिलीव इन इन रिपोर्टिंग द फैक्ट्स रादर देन जस्ट गिव दे गिविंग देयर ओपिनियंस, जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है. आपके छोटे बाल हम सभी को पता है, मुझे लगा छोटे और मतलब हाँ जी फिल्म आ रही, तो बताइए कैसी चल रही है तैयारियाँ?
बते बोलते हो ऑफ कोर्स इट्स ऑलमोस्ट रेडी फॉर रिलीज आई थिंक सिर्फ एक हफ्ता बचा है शायद एंड उरी अभी फिनिश हुई है तो ऑफ कोर्स ये लुक उरी के लिए है एंड यू विल हियर अबाउट इट आल्सो वेरी वेरी सून तो या तो बट बोथ ऑफ देम दोनों ही बहुत अलग प्रोजेक्ट्स हैं दोनों अपने आप में बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे लिए एंड या सो होपिंग फॉर द बेस्ट कैसा रहा एक्सपीरियंस उरी के लिए क्योंकि बत्ती गुल का तो हमने ट्रेलर देखा काफी पसंद है और आपका जो वकील का किरदार है लॉयर का कैरेक्टर अच्छा लगा ना वो बहुत ही है ना आई होप आपको फिल्म में भी अच्छा लगे आई जेन्युइनली होप आपको फिल्म में भी वो अच्छा लगे बिकॉज आइडिया ही ये था मेरा टू टेक अप दैट रोल कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच आई हैवन डन बिफोर एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ दोज टिपिकल रोल्स वे इट्स नथिंग टिपिकल दैट गुलनार इज अबाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझे पता है एग्जैक्टली किस मोड़ कहानी के मोड़ पर वो रोल आता है किरदार आता है और जो पूरा कोर्ट रूम ड्रामा है उसमें दिस लॉट ऑफ प्रोमिनेंस इज बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजूद है उस कैरेक्टर का जहाँ तक कि पूरी जो कहानी है जब कोर्ट रूम में शिफ्ट होती है तो सो आई एम वेरी हैप्पी एंड लेट्स सी उरी का बहुत बहुत खास एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हम सब पहली बार काम एक साथ कर रहे थे इट्स अ वेरी न्यू टीम इट्स अ वेरी यंग टीम और जो कॉन्सेप्ट है फिल्म का बहुत ज़्यादा खास है सर्जिकल स्ट्राइक्स पे है एंड आई थिंक नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट इवन एज एन इंडियन वन एवरीबडी should or rather deserves to know what had actually happened or and what it takes to be in those shoes ye hamare indian chahe politics ke liye but yeah army history ke liye it's a very very important event that had happened so I'm very happy that I'm getting to be a part of such projects and I hope jab of course zyada baat kar payenge film ki to aur bhi bahut sari baatein karenge kyunki aapne abhi stage pe bataya ki ye aap ek aakhri sawal kyunki ips officer agar aap actor na hote to ips IAS officer अगर आप एक्टर ना होते तो होते तो वो किरदार कभी करेंगे आप क्योंकि अब तो आप एक्टर बन गए हैं तो कभी करने का मौका मिला तो करेंगे आप तो कहानी पे डिपेंड करता है कहानी अगर अच्छी होगी तो कोई भी किरदार करेंगे अगर किरदार अच्छे होंगे कहानी अच्छी होगी जो आपके डायरेक्टर हैं आप उन्हें बिलीव करते हैं दे आर सम ऑफ द प्राइम रीजंस दैट वन साइंस अ फिल्म एंड एज यू सेड कि बीइंग एन एक्टर हाँ उसकी एक बहुत मैं लॉ भी पढ़ाई कर रही थी पर मैं पूरी नहीं कर पाई पर जो मैं लॉयर बन गई फिल्म में जी जी चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू गुड लक थैंक यू सो मच थैंक यू